नमस्कार जी, गाम राम में आप सबका स्वागत है। और मैं आज पहुंचा हुआ हूं बड़ खालसा गांव में, तहसील राई लगती है, जिला सोनीपत का लगता है। और आप मेरे पीछे अभी देख रहे हो कपिल भगत जी हैं जो यहां झाड़े लगाते हैं। और हमने यहां आए हुए श्रद्धालुओं से काफ़ी से बात की। श्रद्धालु सभी कह रहे हैं कि हमें आराम हुआ है, कई सारी बीमारियां या समस्याएं, शारीरिक, मानसिक, घरेलू सभी प्रकार की समस्याएं लेके लोग आते हैं यहाँ पे। और एक बार मैं आपको लाइव जो झाड़ा है वो देख लीजिए, किस प्रकार से मोर पंख से झाड़ा लग रहे हैं और तोलिए से भी झाड़ा लगा रहे हैं। तो ये जो लगातार यहाँ भगत पहुँच रहे दूर दूर से, ना केवल इस सोनीपत इलाके के, इसी इलाके के, बल्कि पूरे हरियाणा और पूरे आसपास जहाँ तक लोग सुनते हैं इस धाम के बारे में, वहीं तक से लोग आ रहे हैं। क्या समस्या लेके आई थी? मेरे को जैसे कमर में पेन था, हाथ में और पैर में। तो आज मेरा चौथी बार है यहाँ झाड़ा। और तो कुछ आराम हुआ? हाँ जी, आराम तो काफी है, एक झाड़ा और बचता है। ठीक है, तो किस झाड़े के बाद में आपको लगा भी आराम कुछ महसूस हुआ? मेरे को जैसे पहले झाड़े में ये लग गया था, जैसे काम करने का दिल नहीं करता था कि जैसे काम कर उठ के घर का। और फिर दूसरे में जैसे इस पेन में भी आराम लग गया था। और अब जैसे ये कह रहे हैं कि एक झाड़ा और बचता है, कभी जो बचता है पेन ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या समस्या लेके आई? पैरों में दर्द था ज्यादा। ठीक है, तो अब कैसे है? आराम है, बिल्कुल आराम है, बहुत ज्यादा। अच्छा, कहीं दूसरों को देखे देख तो नहीं कह रहे हो? ना जी। अच्छा, मैं सही चल रहा हूँ। एक गुड़िया है, इनसे बात करते हैं। हाँ, कैसे गुड़िया? ठीक हो। कहाँ से आए बेटा? प्रीतमपुरा। प्रीतमपुरा से। क्या समस्या क्या है आपको? शुगर था। अच्छा, शुगर था आपको। यहाँ कितने झाड़ लग गए अभी आपके? ये फिफ्थ। तो अब कैसे है? चेक वगैरह करवाइए शुगर। हाँ। कितनी है अभी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस गुड़िया को भी आराम हुआ है, ये भी पांचवी बारिश ने आके यहाँ झाड़ा लगवाया है। शुगर की बेटी को दिक्कत थी, अब इसके साथ कौन आए हुए हैं? अच्छा, आप हो। तो अभी कैसे, शुरुआत में शुगर ज्यादा थी कम थी कैसे? 600। अच्छा, ज्यादा थी। तो अब नॉर्मल है? बताओ जी, लड़की अपने आप ही। अच्छा, नहीं चेक वगैरह करवाया डॉक्टर से? रोज घर पे करते हैं। तो अब ठीक है फिर? हाँ बेटा, हमारे पास घर पे मशीन है। तो वो अभी नॉर्मल आया हुआ है उसमें? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, राम राम बहन जी। राम राम जी। आप कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से आए हो, कौन सी बार आए हो आप यहाँ? चौथी बार। क्या समस्या लेके आई थी? ये बीमार हो रहा था 2 महीने से। आपका बेटा? हाँ। अच्छा। तो ये मतलब इसे मोती जारा हो गया था, और ठीक होने के बाद ना झटके मारने लग गया था ये। तो पहले झाड़े में तो मतलब थोड़े बहुत लगने थे, फिर दूसरे झाड़े में थोड़ा सा आराम हुआ, अब तो बिल्कुल ठीक है ये। कितने झाड़े लग गए? चौथा है। चौथा झाड़ा? 5 बोल रखे हैं। अच्छा, तो यही समस्या, कोई और भी समस्या लेके आए थे इसके अलावा भी आप? नहीं, ये ज्यादा समस्या थी, क्योंकि दिन में ना 50-60 झटके लगा देता था ये। झटके किस प्रकार से? वो तो यही बताएगा कैसे लगाते था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, मतलब एकदम से शरीर में झटके से महसूस होते थे। हैं ठीक है, तो ये इस बच्चे को भी आराम हुआ है, बहन ने बताया, इनकी माँ है ये। तो हम तो आप सब देखने वाले जो भी इस इलाके से या जहां तक हमारी वीडियो पहुंच रही है, आप सोनीपत जिला है, तहसील राई है, और राई स्पोर्ट्स स्कूल जो कि सब जानते हैं, उसके बिल्कुल पास में ही बाबा काशीराम नाम से आश्रम है, जहां पर जो भगत कपिल जी हैं वो बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं और झाड़े लगाते हैं। और उनसे ये जो आए हुए भगत हैं ये सारे बता रहे हैं कि हमें आराम हो रहा है। तो इन्हीं की जुबानी जो है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हाँ जी, राम राम आंटी। राम राम। आप कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत। क्या समस्या थी आपको? ये मुट्ठी नहीं बचा थी जी। अच्छा। और ये ऐसे बिचा थे ना, ये इधर के सारे का दर्द था, अब दूसरा झाड़ा है, अब तो मुट्ठी बचती है। तो डॉक्टरी, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरी इलाज करवाया, क्या कहा था डॉक्टर ने, क्या समस्या है? डॉक्टर ने गोली दे दी थी, कहने लगे वो ठीक हो जाएगा, फिर ठीक नहीं होया। किसी माता बहन ने बताया था सोनीपत में। अच्छा। वहां पर बाबा बैठता, वहां पर झाड़ा लगवाया, फिर इधर आई मैं, ये मेरे को पूरा आराम है। कितने झाड़े लग गए आपको? दो झाड़े लगे। दूसरा झाड़ा। अच्छा, दूसरे, पहले झाड़े से आराम महसूस हो गया था? हाँ, पहला यहाँ था, इतीस लगा थी, ये भी अतीस नहीं लग रही, ऐसे मुट्ठी बीच लिया, अब दर्द नहीं है। अच्छा, ये 5 झाड़े लगवाने हैं। तो मतलब आप यहाँ आके आपको लग रहा है मैं ठीक किया मैंने यहाँ? हाँ ठीक होगी। अच्छा, 3 झाड़े और लगेंगे। 3 झाड़े और लगेंगे। हाँ। चलिए, भक्तों की प्रतिक्रिया है वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी कोई कहेगा आराम हुआ तो वो आप तक पहुंचाएंगे, कोई कहेगा नहीं हुआ तो भी पहुंचाएंगे। जो भी है बातें सारी हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे।